चल भाई जा रहा हूँ मैं। स्कूप्स तेरे को उठना ही नहीं है यार। तेरे को ना तेरे तेरे लाइफ से एकदम सेट है बॉस। अगले जन्म में ना मैं भी भगवान से ना स्कूबी बनना चाहता हूँ। भगवान सुन लो। बाय। Another beautiful day and I'm heading towards office. ठंड में रजाई से निकलने का मन ही नहीं करता है and it's a very special day today. उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल तो ऑफिस जा रहे हैं। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम। हर दिन सुबह इतना ज्यादा काम आ जाता है, पता नहीं रात में काम कैसे आ जाता है। मे बी पता नहीं आ ही जाता है। भैया हम आ गए अपने गाड़ी के पार्किंग में। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। अभी यहाँ से बैग उठाएंगे और ऑफिस जाएंगे। कैमरा यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक कैमरा इनसाइड ऑफिस एंड आई डोंट वांट टू शूट एनीथिंग रिलेटेड टू माय वर्क। वर्क प्राइवेसी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि पर्सनल लाइफ तो आप देख ही रहे हो, तो वर्क लाइफ को अलग रखते हैं थोड़ा सा। यहाँ की जो पार्किंग है ना, वो अंकल जो है ना, ये जो पैसे नहीं देते ना पार्किंग के, उसकी गाड़ी पंचर कर देते हैं। सो इट्स बेसिकली ए प्राइवेट प्लॉट जो अंकल ने एज सो कॉल्ड पार्किंग बना ली है। बट अंकल का एक पास टाइम है भाई, दोपहर में निकल के ना सारी गाड़ियों को सुआ मार देते हैं। तो ऐसा ना मेरे तो दो तीन दोस्तों के साथ हो गया, तो मैं रिस्क नहीं लेता बिकॉज यार गाड़ियों में एक बार अगर सुआ मार दिया ना तो वो चक्का बेकार हो जाता है, स्पेशली जब आप साइड वॉल पे मारते हो। तो अभी अपन करेंगे यहाँ पे गाड़ी पार्क, जाएंगे ऑफिस, अपना करेंगे काम। जो लोग मुझे पहले वाले चैनल से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं क्या काम करता हूँ। फॉर एवरीबडी हु इज न्यू, आई एम ए बैंकर बाय प्रोफेशन। अब अपने बैंकिंग लाइफ और ट्रैवल लाइफ को थोड़ा अलग रखता हूँ, इसीलिए कैमरा गाड़ी में छोड़ के जा रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। राखी 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 इसको जोक ही नहीं समझ में। ओके फाइनली डन विद द वर्क। ओह माय गॉड व्हाट अ हेक्टिक डे यार। तू आ रही है अभी? अभी चलो ना। अब मेरी गाड़ी तो दूसरी जगह पार्क देना, वैसे भी यहाँ इतना शोर हो रहा है। अकेले की मेरी गाड़ी खड़ी है, बाकी सारी चली गई। चलो जी अपन भी चलते हैं घर को। और आज क्या स्पेशल है, घर चल के आपको बताते हैं। हाय हाय, तेरे फोन में बैटरी नहीं है ना, फॉलो कर मेरे को, आगे आगे जा रही है। So, राखी को कुछ काम था तो वो रुक गई है एंड मुझे यहाँ पे वेट करने को कहा है। लड़कियाँ चार्जर क्यों नहीं कैरी करती हैं यार गाड़ी में, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिना चार्जर के तो मैं घर से निकल ही नहीं सकता यार। ये फोन आपका सब कुछ है, मतलब जीपीएस से लेके बैंक से लेके एवरीथिंग इज योर फोन। सो हाँ फोन ही आ गया। आप घर पहुंचो, पहुंच के मुझे लोकेशन दे दो, ठीक है? क्यों तेरे को टाइम लगेगा? अपनी बॉडी जो है ना, जो ह्यूमन बॉडी है, तो वो जब आप खाना खाते हो ना तो वो अच्छी चीज़ें को रखती है जो कि बॉडी के लिए हेल्पफुल है, जो कि बॉडी के लिए यूजफुल है, जो कि रिक्वायरमेंट है, लाइक विटामिंस, मिनरल्स एंड बाकी सारी चीज़ें, प्रोटीन। और जो बाकी जो कचरा होता है ना, वो सुबह सुबह बाथरूम में जाके आप फ्लश कर देते हो। तो एग्जैक्टली अपने को भी वैसा ही करना है, इनफैक्ट सारे लोगों को करना चाहिए कि जो अच्छी चीज़ें हैं ना, चाहे वो कमेंट्स हो गए, चाहे वो फीडबैक्स हो गए, चाहे वो कुछ भी हो गया, जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपको एक पॉजिटिव इंसान बनने में मदद करे ना, उसको रखो और बाकी कचड़े को फ्लश। चल ढूंढ लाए। ओके घर आके ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेट। कपड़े उपड़े चेंज कर लिए, थोड़ा डिसेंट टाइप का लग रहा हूँ। तो एक्चुअली आज मेरी एनिवर्सरी है एंड क्योंकि जो ये चैनल नया फॉलो कर रहे हैं, जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता कि आई एम मैरिड एंड आई एम मैरिड फॉर लास्ट 8 ईयर्स। तो स्वाति को ज़्यादा बहुत ज़्यादा व्लॉग व्लॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैमरा शाही है एंड ट्रैवलिंग में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो आज हम प्लान कर रहे हैं, हम अपने अपना बैग वैग पैक कर लिया। सो आज हम जाके डबल ट्री बाई हिल्टन, अपने घर के पास में एक 5-स्टार टाइप का होटल है, तो वहाँ पे अपने वी हैव बुक्ड अ रूम एंड विल बी हैविंग आवर डिनर देयर। कल सुबह ब्रेकफास्ट वहाँ पे करेंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल डे फॉर मी एंड वी वांटेड टू सेलिब्रेट इट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल जिंदगी वाली रूटीन, वो दारू वारू पी के पार्टी वार्टी करके, मतलब ऐसे नहीं कि क्लबिंग चले गए क्योंकि वो तो हमेशा ही जाते रहते हैं, प्लस वी वांट टू हैव सम मी टाइम। तो अभी उसके लिए निकल रहे हैं। और जी ये पैक कर लिया हमने बैग। अब कहीं भी जाओ ना तो आपके साथ आपका सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि आप चाहे एक रात के लिए जाओ, चाहे 2 दिन के लिए जाओ, चाहे 10 दिन के लिए जाओ, सामान। और ये राखी भी आ गई है,
हेलो राखी, व्हाट्स अप? आज कौन सा दिन है सर? दिस इज नॉट फॉर यू, दिस फॉर यू. थैंक यू. 8 साल और बर्बादी का, सॉरी शादी. शादी आप कुछ कहना चाहते हो? जिस आदमी ने आपको बर्बाद किया, आप कुछ कहना चाहते हो? नो कमेंट्स. नो कमेंट्स मतलब शी इज लुकिंग सो लवली. उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई मतलब नहीं. हाँ हाँ, तू इसके साथ रह जा. हाँ सीरियसली, थैंक यू. आपको चलता रहेगा. सो अभी राखी कह रही थी कि व्हाई डिड यू डिड नॉट, और मेरे को बात करने देगी. ओके सो हाँ सीरियस. So, अभी कह रही थी कि तुम आई कांट ब्लॉग. जल्दी करते एक काम करते हैं, अभी अपन पैक वैक अपना पूरा फाइनल करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यार बकचोदिया खत्म होती नहीं है. तो बैड, यू रेडिड दैट लैंग्वेज. नो नो, यू आर विद द लेडीज. हु लेडी? तो डिनर होगा, सुबह ब्रेकफास्ट होगा. हाँ खेली देते कुछ भर के ले आ. बैठ के ले आना यार, आप तो जेब भी है स्वाती, एक थैला ले लो यार. मेरे हमारे पास बैग बहुत है. हाँ और मोर बेटर. इंडियन ग्रिल रूम में क्या हुआ बता ना राखी. कम कर दी खाने. सो मैं बता देता हूँ. तो कह रही है इंडियन ग्रिल रूम गई थी, वहां पे यार अभी तो उन्होंने ना बफे बंद कर दिया और वो ऑर्डर लेने आते, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है. ना क्वांटिटी किसके हिसाब से बॉस? तेरे छोटा था तो वेरी नाइस केक. तो ये केक हमने कल लिया था, ये वही केक है. अभी चलो यहाँ से जल्दी इसको बंद करते हैं और निकलते हैं. वैसे तो जाना दूर नहीं है, बट फिर भी लेट क्यों करना यार? रखना है क्या? कितना सामान हो गया ना हमारे पास. हाँ हाँ सीरियसली यार, अरे क्या है यार. मैडम ने आईडी कार्ड नहीं लिया अपना. आईडी कार्ड ले ओ, ये भी मैंने सोचा कुछ इंटेलिजेंट बंदे से बात कर रहा हूँ इसको. ये ठीक है, मैं अभी घर जाके आईडी कार्ड ले लेता हूँ, बिकॉज दे विल नॉट अलाउ अदरवाइज. चल बाय. Bye, take care. तेरा सपने सुबह शाम है. तू जिंदगी में इतनी भसड़े है ना, इतनी भसड़े है, उसको निपटाते निपटाते साला जिंदगी निपट जाएगी. हैं? यानी? यानी? सपना तेरा. किसी की शादी में जुट जाते. अरे ऐसे मतलब तो बहुत ही चिंदी है ना, कह रही है शादी में घुस जाते खाना फ्री रहेगा. मैंने खाने के लिए नहीं बोला, मैंने कहा एंजॉय. मैं बताऊंगा ना, मैं एडिटिंग में वैसा डालूंगा ना. कि कोविड है तो इसीलिए अपना बैग हम स्वयं उठा रहे हैं, किसी से हेल्प नहीं ली. फोन अंदर रहेगा.
नहीं पहले डिसाइड किया था ना कि फोन अंदर रहेगा। मुझे मालूम है तुम नहीं मारोगे, इसलिए मैं पहले ही रूल तोड़ देती हूँ ना, ताकि मुझे गिल्ट ना रहे। आप लोगों की सोच नहीं बदल सकते हो, लोगों को एक लड़का और लड़की से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिखते हैं। तो आई वॉज अपसेट, लाइक कुछ कमेंट ऐसे थे तो लड़का और एक लड़की अच्छे दोस्त क्यों नहीं हो सकते। एग्जैक्टली जितने भी ये ट्रिप और यूट्यूब और बाकी सारी चीजें हैं, अगर तुम अलाउ नहीं करती तो डेफिनेटली नहीं हो सकता था ना। बिकॉज यू नो आई लाइक ड्राइविंग एंड आई एम नॉट बीइंग फोर्स्ड नॉट टू ड्राइव व्हेन आई फील लाइक ड्राइविंग। सो चीयर्स टू 8 इयर्स ऑफ टुगेदरनेस। नो 14। शादी को 8 इयर्स हुए ना, ऑफिशियली 8 इयर्स, अनऑफिशियली 14 इयर्स। लड़कियों को डेट ज्यादा याद रहता है। गुड मॉर्निंग गाइज, सो इट्स 8:30 नाउ। हम लोग दोनों सो के तो उठ गए थे, लेकिन फिर उठने का मन नहीं किया बेड पे। यू नो सुबह सुबह ना आपको इतनी मस्त वाली नींद आ रही होती है ना, आप उठ भी जाते हो फिर भी आपको ना बेड से रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। तो अभी एक काम करते हैं, अभी क्योंकि आज हमारा नॉर्मल रूटीन वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ऑफिस जाना है, तो अभी जाते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने एंड उसके बाद या फिर तैयार होकर चले जाएंगे ताकि वहीं से धीरे घर कट ले। बिकॉज स्कूबी इज़ देयर अलोन एट द होम एंड स्कूबी को सुबह ब्रेकफास्ट मतलब उसको भी खाना देना है, तो और वो बहुत छटपटा रही होगी क्योंकि रात भर बेचारी अकेली थी, जो कि वो यूज़ टू बिल्कुल भी नहीं है। सो स्कूबी के वजह से कभी कभी निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, बट दैट्स ओके। एंड स्वाति को कन्विंस करना कि स्कूबी को रात भर के लिए छोड़े वॉज रियली रियली डिफ़िकल्ट, बिकॉज मेरे से ज़्यादा तो उसको ही है कि स्कूबी नहीं रह सकती भैया अलोन, आप चाहे रह लो स्कूबी नहीं रह सकती। तो सुबह से बहुत चीज़ें सुनने को मिली है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, उसको भी अकेली है उसको खाना है, या चलो नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। अभी करते इस मेस को क्लियर, पैक करते अपने बैग्स और निकलते घर को। थैंक यू एवरी वन फॉर विशिंग अस ए वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट डाला था, बहुत लोगों के विशेज आए, सारे लोगों को रिप्लाई तो नहीं कर पाया, बट थैंक यू एवरी वन, थैंक यू एवरी वन। तो चलो यार, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक देना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, और मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर कब जा रहा हूँ? कल। अरे आज थर्सडे है ना, कल ही तो जा रहा हूँ, फ्राइडे। ओके तो मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर सोलो ट्रिप के लिए, या 3 दिन अकेला। तो ये तो बनता था ना, मतलब अगर बीवी खुश रहेगी तो ट्रिप होता रहेगा बॉस। तो चलो अभी खत्म करते हैं। क्या कह रहा था साला, व्लॉग करना भी ना एक बहुत डिफिकल्ट काम है यार, भूल जाता आदमी एग्जैक्टली फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अरे भैया